और आज धनतेरस है। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती या फिर धन त्रेतादेशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस मौके पर देखिए बाजारों में खास भीड़ देखी जा रही है। लोग बाजारों में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज खास तौर पर सोना और चांदी की भी खरीदारी होती है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी का ही अवतार है, इसीलिए आज के दिन भगवान धन्वंतरी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो देखिए अपने आप में ही धनतेरस का काफी बड़ा महत्व है और इसी सिलसिले में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे हैं। खास तौर पर सोना और चांदी की अगर बात करें तो 1-1 ग्राम के सिक्के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज के दिन में माने जाते हैं। धन्वंतरी जयंती और फिर धन त्रयोदशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक भी खास रहती है। दुकानदार फेस्टिव सीजन में जबरदस्त बिक्री से खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं खतरे के संकेत भी दे रही है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। और देखिए जरा बाजारों में भीड़ पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इस फेस्टिव सीजन में बाजार में रौनक लौट आई है। लेकिन इस तस्वीर को भी जहन में जरूर रखना चाहिए। परिवार के लिए त्योहार में शॉपिंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन महज कुछ महीने पहले की इस तस्वीर को भूलना नहीं चाहिए। हम आपको डरा नहीं रहे, बस आगाह कर रहे हैं। खुशखबरी यह है कि देश में कोरोना कंट्रोल में है। दिल्ली में बीते 9 दिनों से कोरोना वायरस किसी की मौत का कारण नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर लोग वायरस को ओपन इनविटेशन देने लग जाएं। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? हाँ जी मेरा ना सर जी। भाई साहब अभी मैंने आपको टोका, फिर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। अरे सॉरी सॉरी। कहाँ है मास्क आपका? मास्क इसको लगा दे। मास्क घर में रह गया हमारा, जल्द मास्क से रहा सर। मास्क लगाए? लगा लिया सर। शहर से मास्क मास्क कहाँ है? सॉरी सर ससड़ गए थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बोल रही हैं ये तस्वीरें। ये दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट है। यहाँ क्या नहीं मिलता आप सोचिए, और वो आपके सामने होगा। लेकिन इतने भीड़ में यहाँ कोरोना भी मिल सकता है। बस एक नजर इस भीड़ पर डालिए। देश भर में त्योहारी सीजन है और दिवाली का समय है, ऐसे वक्त में बाजारों में बेहिसाब भीड़ उमड़ रही है। और ये तस्वीर मैं आपको लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट से दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर देखिए किस भीड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स की साफ तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। DDMA ने जो है वो आदेश जारी किया था कि दिल्ली में जो मार्केट्स हैं उसे खोले जाएं, लेकिन साथ ही साथ DDMA ने ये सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसे बिल्कुल सख्त तरीके से उसे पालन किया जाए। लेकिन आप देखिए इस जगह की तस्वीर को देख करके, जो दीपावली के समय बेहिसाब भीड़ उमड़ रही है, इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उसकी बात करना कितनी बेमानी है। आप साफ तौर पर तस्वीरों को देखिए, अभी जो तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है, कुछ के मास्क हैं तो वो मास्क सिर्फ इसलिए हैं ताकि जो है उनके औपचारिक तौर पर जो है वो पुलिस के चालान से बच सकें। लेकिन कोरोना को लेकर के इनके मन में कोई भय नहीं है, कोई दहशत नहीं है। जिस तरीके से दूसरी लहर ने देश के भीतर इतनी भयानक स्थिति ला करके रख दी थी कि लोगों के अंदर डर और दहशत का माहौल था, लेकिन शायद उस तस्वीर जो थी हमारे दूसरी लहर के हम लोगों के बीच में, शायद लोग उसको भूल चुके हैं, क्योंकि ये तस्वीर उस बात की गवाही दे रहा है कि इनके जहन में ना तो दूसरी लहर का डर है, ना ही दूसरी लहर के वक्त में इतनी भयावह स्थिति जो मची थी उसको लेकर के कोई खौफ है।
भीड़ तो भीड़, लोगों के चेहरे पर मास्क भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोगों ने तो कैमरा देखकर मास्क ऊपर कर भी लिया, लेकिन कुछ लोग रोकने के बावजूद मास्क पहन ही नहीं रहे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह है दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट। दिवाली डेकोरेशन की चीजों से पूरा मार्केट पटा पड़ा है। कपड़ा, जूता, चप्पल, बेल्ट, चश्मे, मार्केट पूरी तरह से सजा है। दिवाली से पहले लोग घर द्वार सजाने के लिए और खुद सजने के लिए खरीदारी करने आए हैं, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि ये साल 2021 है, कोरोना वायरस का खतरा है, लेकिन इस त्योहार के मौसम में पब्लिक घर पर बैठने को तैयार ही नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल को जमीन पर लागू कराने के सरकार के सारे वादों की खिल्ली उड़ाता हुआ ये सरोजनी नगर मार्केट है, जहां आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह से आती जा रही है। और ये सरोजनी मार्केट त्योहारों का सीज़न है, दिवाली की शॉपिंग चल रही है, मगर आप गौर करें कि किस तरह से भीड़ है इन पतली गलियों में, इन पतली बाज़ारों में। तो आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई मैनेजमेंट यहाँ पे सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई डिप्लॉयमेंट हमें नहीं दिख रहा। और अगर आपको हमारे कैमरामैन अनिल अरोड़ा ये पीछे की तस्वीरें दिखा सकें तो आपको दिखेगा कि किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ के लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये तब है जब कई जानकार, कई एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, मगर जिस तरह के वादे किए गए, जिस तरह से बातें बताई गई कि सरकार इन सारी चीज़ों का पालन करेगी, क्योंकि बाज़ारों का चलना भी ज़रूरी है, आवश्यक है, और उसको चलने के लिए सरकार सब चीज़ों का फॉलो करवाएगी। मगर जो विजुअल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आपको, मकसद हमारा डराना नहीं है, मगर मकसद हमारा उन अधिकारियों को, उन सरकार के लोगों को ये बात बताना है कि जिस तरह से आपने वादे किए थे दिल्ली वालों को, दिल्ली वालों के लिए। एक बार फिर हम कह दें कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है। वायरस को ऐसे ही वक्त की तलाश होती है जब वो आसानी से अटैक कर सके, लेकिन हमें इस त्योहार के सीजन में ख्याल रखना है। शॉपिंग करें, लेकिन घर का सिर्फ एक ही शख्स बाहर जाए। बार बार सपरिवार बाहर निकलना वायरस को न्योता देने के बराबर है। हमारा बस यही कहना है कि त्योहार के सीजन में स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। प्रेरित कुमार के साथ प्रशांत कुमार, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो इस संक्रमण से बचाव आपके द्वारा बरती गई सावधानी है, अपना ख्याल जरूर रखें।